वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में देखेंगे कि इनको हम कैसे लिखते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो इंडियन सिस्टम जो होता है उसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें जो ग्रुप होता है, पहला ग्रुप 3 का होता है जो वंस कहलाता है। इसमें 1, 10 और 100 आते हैं। इसके बाद में हम 1000 का ग्रुप लेते हैं। 1000 में 2 आते हैं, 1000 और 10000। इसके बाद लेक, उसमें भी 2 होते हैं, लेक और 10 लेक। और अगला होता है करोड़, उसमें 1 करोड़ और 10 करोड़, यानी 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो इस तरह के इनको ग्रुप में अपन बांटते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा देखिए, एक एग्जांपल है। जैसे कोई नंबर है 6586198 05। अब इसको हम कॉमा लगाएंगे तो 3 के बाद में पहले लगाएंगे, 8 और 9 के बीच में, फिर 6 और 1 के बीच में, फिर 5 और 8 के बीच में। इस तरह से अपन इनको लिखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे अपन, इसको अपन पढ़ेंगे तो 65 करोड़ 86 लाख 19,805। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे। अब अपन देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो नंबर चलते हैं उसमें 3-3 के ग्रुप में चलते हैं। पहला वही जैसे इंडियन सिस्टम में था, सेम वो का वही वंस, उसमें 1, 10 और 100 आता है। उसके बाद में फिर इसमें 1000 आता है, 1000 में 1, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन, मिलियन में 1 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इस तरह से इसमें 3-3 का अपन ग्रुप बनाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे 8 9 7 4 5 6 1 2 3 है। अब इसमें अपन 3-3 के बाद में कॉमास लगाते हैं और जब इसको पढ़ेंगे अपन तो बोलेंगे 897,456,123। वापस देखिए एक बार, 897,456,123। तो इस तरह से अपन इसको लिखते हैं। तो आशा है आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।